हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर फर्स्ट। ठीक है, हमने लास्ट चैप्टर किया था सेकंड। चैप्टर नंबर फर्स्ट है जो वो है रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक है, रिलेशंस एंड फंक्शन। ठीक है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है और है भी इजी बिल्कुल। इसमें आपको बताना है कि जो हमारे जो रिलेशंस निकलते हैं उसके क्या टाइप होते हैं। देखो, इसमें एक आइडेंटिटी रिलेशन होता है जो हमने प्लस वन में किया था। ठीक है, सेकंड यूनिवर्सल रिलेशन, ये भी हमने प्लस वन में किया था। एम्पिटी रिलेशन, ये भी प्लस वन में किया था, जिसमें हमारा अगर एम्पिटी में क्या होता है, खाली अगर निकलता है रिलेशन, नहीं बनता कोई भी, तो हम क्या ले लेते हैं वहाँ पर एम्पिटी की जगह, फाई रख लेते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं एम्पिटी रिलेशन। क्लियर है? अब इसमें कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा, तीन चीज़ें इसमें आती हैं। अभी रिलेशन कैसे बनता है, एक होता है सिमेट्रिक, सॉरी फर्स्ट आता है रिफ्लेक्सिव। क्या आता है? रिफ्लेक्सिव। ठीक है, सेकंड क्या आता है? सिमेट्रिक। ठीक है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एक, एंड जो लास्ट में होता है उसको क्या बोलते हैं? ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव, ये भी फंक्शन, ये भी फंक्शन, ये भी फंक्शन। ठीक है, तीन चीजें होती हैं इसमें, एक रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। इन तीनों की अलग अलग कंडीशन होती है। ठीक है, रिफ्लेक्सिव की कंडीशन, सिमेट्रिक की कंडीशन और ट्रांजिटिव की कंडीशन, इन तीनों को सोल्व करना होता है। अगर ये तीनों रिफ्लेक्सिव भी हो जाए, सिमेट्रिक भी हो जाए, ट्रांजिटिव भी हो जाए, तो हम उसको क्या बोलते हैं? इक्विवैलेंस रिलेशन। उसको क्या बोलेंगे? इक्विवैलेंस रिलेशन, मतलब कि ये तीनों क्या हैं? इक्वल है। ठीक है, तो अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इन तीनों की कंडीशन को कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं रिफ्लेक्सिव की। ठीक है, रिफ्लेक्सिव क्या होता है, वन बाय वन सॉल्व करेंगे। आज हम इंट्रोड करेंगे इसी का, सिर्फ रिफ्लेक्सिव फंक्शन। रिफ्लेक्सिव फंक्शन क्या होता है? रिफ्लेक्सिव फंक्शन, ठीक है, रिफ्लेक्सिव फंक्शन वो फंक्शन होता है जिसके अंदर कंडीशन ली जाती है, जैसे ए कोमा ए। क्या लेते हैं? ए कोमा ए, मतलब कहने का मतलब है, अगर आपका यहाँ पर ए वन है तो यहाँ भी क्या होना चाहिए? वन होना चाहिए। अगर यहाँ टू है तो यहाँ भी टू, थ्री है तो थ्री, फोर है तो फोर, मतलब कि वन कोमा वन, टू कोमा टू, थ्री कोमा थ्री, फोर कोमा फोर, एंड जब तक भी, मतलब कि दोनों वैल्यू क्या होनी चाहिए यहाँ पर? सेम होनी चाहिए। वो उसको हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्सिव फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो वो भी बिलोंग करना चाहिए रिलेशन के साथ, आर के साथ। ठीक है, तो वो हमारा क्या बन जाता है? रिफ्लेक्सिव फंक्शन बन जाता है। ठीक है, एक हमने कार्टेशियन किया था प्लस वन के अंदर। कार्टेशियन में क्या करते थे? एक रो से करते थे, जैसे मान लो आपको यहाँ पर दे दिया, लेट कर रहा हूँ मैं, वन टू थ्री फोर दे दिया। अगर हम इसका कार्टेशियन निकालते हैं तो क्या निकलेंगे? वन कोमा वन, वन कोमा टू, वन कोमा थ्री, वन कोमा फोर, टू कोमा वन, टू कोमा टू, टू कोमा थ्री, टू कोमा फोर, थ्री कोमा वन, थ्री कोमा टू, थ्री कोमा थ्री, थ्री कोमा फोर, फोर कोमा वन, फोर कोमा टू, फोर कोमा थ्री एंड फोर कोमा फोर। इसको हम बोलते थे कार्टेशियन। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते थे। अब इसी से हम क्या निकालते हैं? रिफ्लेक्सिव निकालते हैं। अब इसको देख के हम रिफ्लेक्सिव निकालते हैं। अब इसमें बताना है कि रिफ्लेक्सिव फंक्शन कौन कौन से होते हैं। एक तो होता है वन कोमा वन, दूसरा टू कोमा टू, तीसरा थ्री कोमा थ्री, चौथा फोर कोमा। तो ये हमारे क्या हैं? रिफ्लेक्सिव फंक्शन। ए कोमा ए बिलोंग करता है आर के साथ। ठीक है, ये हमारे क्या होते हैं? रिफ्लेक्सिव फंक्शन होते हैं, राइट?
अभी हम इसको क्या लिखेंगे, क्वेश्चन आपका पेपर में आता है तो आपको ये प्रूव करके दिखाना, ठीक है, ये रिफ्लेक्सिव फंक्शन है या नहीं है। हम क्वेश्चन करेंगे ना, आपको वहाँ से क्लियर हो जाएगा। लेकिन जो हमारा इसका एक किस्म से बोलते हैं ना कि जो मेथड होता है वो सिर्फ यही होता है, ये तो मैंने समझाने के लिए आपको बताया है, सिर्फ आपकी इसकी जो कंडीशन होती है, हम क्या लिखते हैं, सिर्फ क्या लिखते हैं, ए कोमा ए बिलोंग करता है आर के साथ, करता है या नहीं करता ये आपको उसमें देखना है। अगर ये कर रहा है बिलोंग तो वो तो हो जाएगा रिफ्लेक्सिव फंक्शन, नहीं अगर नोट कर रहा है, नहीं कर रहा, रिफ्लेक्सिव फंक्शन नहीं है तो यहाँ क्या लिखोगे, आर इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव फंक्शन। अब ये कर रहा है रिफ्लेक्सिव फंक्शन तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर, ठीक है, आर इज़ ए रिफ्लेक्सिव फंक्शन। सेकेंड आता है हमारा सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, सेकेंड क्या है, सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है, सिमेट्रिक रिलेशन देखिए, आपने लेट कर लिया यहाँ पर, आपको जो आर दिया हुआ है वो दिया हुआ है आपको 1.1 ठीक है, ये आपको दिया हुआ है, इससे आपको बताना है ये सिमेट्रिक फंक्शन है या नहीं है, ठीक है। अब देखो सिमेट्रिक कंडीशन पहले लिखो, कंडीशन क्या होती है, पहली कंडीशन होती है ए कोमा बी बिलोंग करता है आर के साथ, एंड बी कोमा ए बिलोंग करना चाहिए आर के साथ, ये कंडीशन होती है इसकी, ठीक है, ये सिमेट्री की कंडीशन होती है। अब इसको देख के हमने प्रूव करना है, देखो ये तो प्रूव होता है ऑलरेडी, इसको प्रूव करना होता है, ए कोमा बी 1.2 हो गया, ये तो प्रूव है, ये तो बिलोंग कर रहा है, अब बी कोमा ए मतलब कि 2.1, ये इसमें नहीं, इस सेट के अंदर नहीं है 2.2, तो इसका मतलब नॉट बिलोंग टू। अगर यहाँ पर ये होता 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, मतलब कि कुछ भी होता है यहाँ तक, तो ये 2.1 है तो इसका मतलब ये बिलोंग कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक फंक्शन हो जाएगा। अगर नॉट बिलोंग आ जाता तो आर इज नॉट सिमेट्रिक फंक्शन, राइट। अब आ जाओ इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट पॉइंट आता है ट्रांजिटिव, ठीक है, ये तो हो गया रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक, थर्ड पॉइंट आता है ट्रांजिटिव, जो हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है वो इसी का ही बेस है, ठीक है, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव फंक्शन या रिलेशन, रिलेशन लिख रहा है। अब ट्रांजिटिव रिलेशन देखो, इसकी जो कंडीशन होती है, फर्स्ट की क्या थी, ए कोमा ए, दूसरी सेकंड कंडीशन सिमेट्रिक की क्या थी, ए कोमा बी और बी कोमा ए, ट्रांजिटिव की होती है ए कोमा बी, बी कोमा सी, देखो ए कोमा बी, बी कोमा सी, इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, बी, देखो इन दोनों में है, इसको छोड़कर जो बाकी बच जाता है वो यहाँ का सेट बन जाता है अलग से, ए कोमा सी, ये दो चीज़ तो प्रूव होएगी होएगी, ये नहीं होएगी, होएगी या ये नहीं होएगी, ये आपको क्या करना है, प्रूव करना है उस सेट के अंदर, ठीक है। वो सेट हमारा क्या था, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, देखो ये सेट था, इसको देख के बताना है। अब ए कोमा बी ये हटा दो यहाँ से, यहाँ से 2.2 हटा दो, यहाँ से 3.3 हटा, अब वह ए कोमा बी मैंने ले लिया 1.2, बी कोमा सी, बी क्या है इसमें 2 है, तो 2.C क्या होगा यहाँ पर, 3, 2.3, ठीक है, ये दोनों तो हैं इसके अंदर, अब इसमें क्या बच गया, एक तो 1 और इसमें क्या हो जाएगा, एक 3, 1.3 इसमें बिलोंग कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है ये रहा, तो इसका मतलब क्या होगी, ये कंडीशन ट्रांजिटिव कंडीशन, अगर ये यहाँ पर नहीं होता तो ये क्या हो जाती, क्या हो जाता, नॉट ट्रांजिटिव, ठीक है। अब ये यहाँ पर है तो हम क्या लिखेंगे, आर इज ए ट्रांजिटिव रिलेशन, क्लियर है।
तीन कंडीशन होती है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। अगर ये तीनों इक्वल आती है तो हम उसको बोलेंगे इक्विलेंस रिलेशन। क्या बोलेंगे? इक्विलेंस रिलेशन। ठीक है, तो ये सारे इसके क्या हैं, फंक्शन बन जाते हैं। जब ये फंक्शन हमें इसमें पुट किए तो इससे हमें बताना है कि ये बिलोंग कर रहा है, रिलेशन बना रहा है या नहीं बना रहा है। ठीक है, अब रिलेशन में कैसे बनाते हैं, देखो यहाँ लिया 1 2 3 4 5, ABCDE, मतलब ए का ए के साथ, 1 का A के साथ रिलेशन, 2 का B के साथ, 3 का C के साथ, 4 का D के साथ, 5 का E के साथ रिलेशन। ठीक है, ये बनाते हैं, ये इमेज बना रहे हैं इसकी। ये टॉपिक आगे आएगा लेकिन हम थोड़ा यही करेंगे सिर्फ आज। आप जो इंट्रो में क्या था, एक तो रिफ्लेक्सिव, एक था सिमेट्रिक और एक था ट्रांजिटिव। हम थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं, रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव में क्या था। रिफ्लेक्सिव में क्या कंडीशन होती है, ए कोमा ए बिलोंग करना चाहिए आर के साथ। ठीक है, तो वो हमारा क्या होगा, रिफ्लेक्सिव, नहीं होगा तो नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है, सिमेट्रिक कंडीशन क्या होती है, ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, नहीं तो बी कोमा ए बिलोंग्स टू आर। अगर दोनों कंडीशन सॉल्व हो रही है तो वो हमारा क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव में क्या था, ए कोमा बी, बी कोमा सी एंड ए कोमा सी, ये बिलोंग करना चाहिए आर के साथ। अगर कर रहा है तो वो ट्रांजिटिव है, अगर नहीं कर रहा, अदरवाइज नहीं कर रहा, तो वो नॉट ट्रांजिटिव हो जाएगा। ठीक है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। ठीक है, कल हम नई एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 1.1। ठीक है, आज इंट्रोडक्शन करवाया आपको, अच्छे से देख लेना इसको। अगर कोई भी डाउट हो तो कल कमेंट में डाल देना, कमेंट बॉक्स में डाल देना, कल हम उसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, बाय बाय, कल मिलते हैं।